हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ गाय मुश्किला। मैं मुश्किला, मैं अपने यूट्यूब चैनल द मैथ गाय मुश्किला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट के बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर किया। हमने एक्सरसाइज 1.1 की इन्फॉर्मेशन लिया, 1.2 की इन्फॉर्मेशन लिया, हमने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व किया और हमने 1.3 1.4 भी सॉल्व किया। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.5 का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और बहुत डीप इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं कवर किया है तो इस वीडियो को देखने के पहले पहले उस लेक्चर को आप कवर कर लें, उसके बाद यहाँ आए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के नए हैं तो आप प्लीज अगर सेट थ्योरी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पूरे वीडियो देखने के बाद ही यही यहाँ पे आए, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेरे किसी लेक्चर में आप जम मारेंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए एंड बी आर द टू सेट। आपके पास दो सेट दिए मैंने, ए और बी आपके कोई भी दो सेट है, एनी टू, ठीक है। अब कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। देखो हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, हमारे साथ नहीं मतलब आप सबके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता कि स्टेटमेंट को कहाँ से टैकल करना है, क्योंकि हमारी आदत बचपन से पड़ी हुई है कि हमने फॉर्मूला देखा, वैल्यूज रखा और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 11th में आने पर यही सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट हो जाता है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको यहाँ से थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है और सारे स्टेटमेंट को अपने ओन वर्ड में कन्वर्ट करना है। देखो दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी हमारे कोई दो सेट है, आपको कोई भी दो सेट मान लेने हैं, लेकिन उन सेट को मानने के पहले कुछ कंडीशन दी गई उस पर पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं? बी में हैं। तो चलो देखते हैं, एक रफली सेट बना लेता हूँ, मुझे इस क्वेश्चन में नहीं करना है, मैं रफली एक बना के आपको समझाता हूँ। मैंने एक सेट ले लिया, सेट ले लिया ए बी सी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं? बी में हैं। तो मतलब कि बी में ए सेट तो दिखेगा ही, ए बी सी और कुछ और भी एलिमेंट दिख सकते हैं, डी ई। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ए और बी कोई दो सेट है, हमारे पास में दो सेट आ गए, ये कंडीशन ही फुलफिल हो गई कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, के ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे? बी में। देखो ए के सारे एलिमेंट ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी, मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं आपको? बी में दिख रहे हैं। अब कह रहा है पहली कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जरा देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालते हो तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, डायग्राम आपको याद होगा कि डायग्राम हमारा कुछ वेट डायग्राम ऐसे बना था और इंटरसेक्शन हमारा ये वाला रीजन कहला रहा था, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे लिखे जाएंगे, ए बी और सी। अब जरा एक चीज बताओ, जब हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में लिख लिया, मतलब कि ए बी और सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी, मतलब ये तो इक्वल टू क्या आ गया, सेट ए आ गया ना, सेट ए आ गया। अब अगर मैं जो फिलहाल तो इसका आंसर जो हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया सेट ए, मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, देखो वेन डायग्राम क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे होगा, एक यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये सेट बी हो गया और इसके अंदर सेट ए आ जाएगा। देखो सेट ए के एलिमेंट कहाँ है, सारे के सारे बी में है, तो सेट ए किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा। तो चलिए हम अपने दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो जरा ए यूनियन बी निकालते हैं। जब हमने ए यूनियन बी की बात किया तो हमने क्या देखा कि यूनियन क्या होता है, यूनियन तो हमारा ये पूरा सेटेड रीजन होता है ना, ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखना। तो जरा देखते हैं ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी में जो दो बार रिपीट होता है उसको एक बार, मतलब ए ए दो बार हो गया तो इसको एक बार, बी हमारा दो बार हो गया तो बी को एक बार, सी हमारा दो बार हो गया सी को एक बार, और जो बचा हुआ पार्ट है डी और ई भी एक बार। अब जरा देखो ये किसके एलिमेंट निकल के आ गए, ये कौन सा सेट बन रहा है, ए या बी, बी बन रहा है ना, तो इट विल बी इक्वल टू बी, मतलब कि जो हमारा ए यूनियन बी होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू सेट बी। उम्मीद करता हूँ 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा पूरा, इसमें कुछ भी ऐसी साइंस नहीं लगी हुई थी जो आपको अलग से समझना था। आप ये मैंने ए बी सी का एग्जाम्पल लिया है, आप कोई भी दो सेट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास में ए बी सी डी चार सेट गिवन है, हमारे पास 4 सेट गिवन है,
सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, हमारे पास फोर सेट गिवन है, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पे लिस्टेड है। अब हमसे कह रहा है कि आपको निकालना है पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना है। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यूनियन का डायग्राम, वेन डायग्राम आपके दिमाग में हर बार बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो मैं यहाँ फिलहाल तो बनाऊंगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपके दिमाग में वेन डायग्राम हमेशा होना चाहिए। तो चलो देखो, देखते हैं, जब हमारे पास में दो सेट होते हैं ए और सेट बी, तो उनका जो यूनियन बनता है वो पूरा का पूरा ये होता है जो मैंने सेट किया हुआ है। तो वेन डायग्राम से आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, तो अब जरा ए यूनियन बी देखते हैं। अब हम ए यूनियन बी में मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, जो दो बार आए होंगे उनको एक बार लिखेंगे, जो एक बार आया उसको भी एक बार लिखेंगे, जो नहीं देखा उसको नहीं लिखेंगे, दिमाग में और भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। चलो बात करते हैं, हमने देखा वन टू, यहाँ पे वन टू नहीं है, वन टू लिख लिया, फिर थ्री यहाँ भी नहीं है, थ्री लिख लिया, फिर फोर और फाइव, आपने देखा फोर फाइव सेट ए में था, सेट बी में भी दिख रहा है, तो फोर फाइव अब रिपीट करके नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब बता क्या, सिक्स सेवन एट, ये हो जाएगा सिक्स सेवन और एट। अब आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करके दिखाएं, ठीक है। तब तक मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करने की बात भी करें, ठीक है। अब ए यूनियन सी की बात करता हूँ, तो मतलब कि अब हमको निकालना है ए और सी का एक रिलेशन, ए क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, जब यूनियन हो ना तो पहले वाले सेट को तो ऐसे लिख लिया करो जो पूरा गिवन है, वन टू थ्री फोर और फाइव। अब जरा सी पे देखना होता है, सी में क्या है, सेवन एट नाइन टेन, क्या कोई वहाँ रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं सेवन, फिर हमारा एट, देन नाइन एंड एट लास्ट सॉरी टेन एंड एट लास्ट एलेवन, इतना हो गया। चलो बी यूनियन सी आपका होमवर्क है, क्योंकि ये आप करेंगे, ठीक है। बी यूनियन डी भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अब फोर्थ फिफ्थ पार्ट पे आता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, मतलब कि ए बी और सी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है। तो अब देखो, मैंने बोला यूनियन है ना, तो पहला वाला ऐसे लिख लो, पहला वाला क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव है ना, वन टू थ्री फोर और फाइव। फिर क्या है, अब बी के साथ यूनियन बना रहे हैं, तो बी में कोई ये रिपीट हो रही है, बिल्कुल रिपीट हो रही है, देखो फोर फाइव यहाँ पे और फोर फाइव यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिखेंगे। फिर क्या जाएगा, सिक्स सेवन और एट आ गया हमारे पास में। उसके बाद देखते हैं अब क्या है, अगला सेट से ही हमारा सी पे आते हैं, सी में देखा सेवन एट, ऑलरेडी हम सेवन एट यहाँ पे लिख चुके हैं, तो बचा क्या, नाइन टेन एलेवन, यहाँ पे आ जाएगा नाइन टेन और एलेवन। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके सेकंड के फिफ्थ स्टार्टिंग के वन टू फाइव पार्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों आपके होंगे कि इनको करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है, कमेंट बॉक्स में 100% रिप्लाई करना है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वहीं से मुझे मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको करना ये इससे मतलब नहीं किसी और बच्चे ने किया तो हम क्यों करें, नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपको सही तरीके से मैथ सीखना और मुझे अगर कंप्लीट फॉलो करना है तो आपको ये कमेंट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के सिक्स पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम सेवन पार्ट सॉरी सिक्स पार्ट पे आते हैं। सिक्स और सेवन पार्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी फिफ्थ पार्ट बताया है, तो सिक्स सेवन भी आपको अपने आप ही करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है, करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, आंसर देना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के एट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मेरी बात को ध्यान सुना, जब हमको ऐसी कंडीशन मिलेंगी, दो अलग अलग साइन मिल जाएंगे ना, तो आगे चल के तो हम अभी फॉर्मूले सीखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देखो। सेट ए लिखा हुआ है ना, तो सेट ए को पहले मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सेट ए हमारे पास में क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव है, मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये सेट ए हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ निकालना है, बी यूनियन सी के साथ में, तो बी और सी का यूनियन यहाँ पे लिखेंगे। तो जरा देखो बी और सी का यूनियन क्या आएगा, जब यूनियन आ गया तो पहले तो सेट बी लिख लेते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अब बी का यूनियन किसके साथ में, सी के साथ में, तो जो रिपीट हो रहा है सेवन एट उसको एक बार लिखेंगे, बचा गया नाइन टेन एलेवन, ये हो गया नाइन टेन और एलेवन। अब आपसे ये कह रहा है कि इस सेट का और इस सेट का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का डायग्राम याद होगा कि इंटरसेक्शन हमारा ये वाला रीजन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन है, ये कंप्लीट क्या हो गया मेरा यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनेंगे, इस चीज़ का बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आप बात करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइनटीन इलेवन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे भी फोर फाइव है, यहाँ पे भी फोर फाइव है, क्या और कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, जब नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे फोर और फाइव, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू फोर कॉमा फाइव। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, इसका अगला पार्ट क्या बोला है,
इसका अगला पार्ट बोला है कि आपके पास में है ए इंटरसेक्शन बी, नाइन पार्ट बोला है आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो पहले हम लिख लेते हैं, अब जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, ये लिखते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन जब भी आएगा तो हमेशा कॉमन एलिमेंट लेंगे जो ए और बी दोनों में दिख रहे हैं। तो ए और बी में दोनों एलिमेंट को सॉरी ए और बी सेट में कौन कौन सेम एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ए में 4, 5 दिख रहा है, बी में भी 4, 5 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे 4 और 5। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ निकालना है। तो बी और सी का अलग से इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। हमने देखा बी और सी में एलिमेंट कॉमन कौन से दिख रहे हैं, 7 और 8 दिख रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। अब जरा देखो, अब कह रहा है 4, 5 का इंटरसेक्शन निकालना है 7, 8 के साथ, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है, कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है ना। जब कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो इट विल बी इक्वल टू 5। जब कोई भी एलिमेंट नहीं दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसका 9th पार्ट भी आपको क्लियर होगा। अब कंटिन्यू करते हैं 10th पार्ट में। 10th पार्ट क्या बोला है, 10th पार्ट बोला है कि ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ए यूनियन डी मतलब कि यूनियन में पहला सेट तो पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, जो नहीं है उनको लिख लेते हैं हम। चलो ए यूनियन डी क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5। अब डी के साथ देखते हैं क्या ए और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो डी को पूरा लिख लेते हैं। डी क्या हो गया 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आ गया 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारा ए यूनियन डी आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ निकालना है, बी यूनियन सी के साथ में। तो सबसे पहले हम बी और बी यूनियन सी के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो यूनियन में सबसे पहले वाले के सारे एलिमेंट लिख लो, 4, 5, 6, 7, 8। तो हो गया 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसका यूनियन निकालना है सी के साथ में। तो सी में क्या है, 7, 8, 9, 10, 11 है, 7, 8 पहले लिख चुके हैं, तो 9, 10 और 11 हो गया हमारे। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में क्या होते हैं कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन में देखो इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, तो मुझे 4 दिख रहा है। देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, 4 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे, उसके बाद में 10 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे और 11 यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमारे पास आंसर निकल के आ गया 4, 5, 10 और 11 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट का। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि हमारे पास 4 सेट हैं, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और सेट डी है। 4 सेट गिवन है। सेट ए क्या है, x दैट x x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे नेचुरल नंबर हो गए। तो मैं पहले इन सेट को सही तरीके से सही फॉर्म में लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अब मेरी बात को ध्यान सुना। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये जो सेट है वो क्या बनेगा, पूरा नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यही बनेगा आपके सेट। ठीक है, अगर मैं सेट बी की बातचीत कर लेता हूँ तो सेट बी हमारा क्या बनेगा, मैं इसको एक दूसरे पेन से लिखता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा दूसरे, ठीक है ना, कि मैंने अलग से क्या नोट डाउन किया है जो क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हमारा सेट क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यही सेट ए बनेगा मेरा। सेट बी क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। 2n क्या होता है, हमारा इवन नेचुरल इवन नंबर होते हैं ना, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 2 बनता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब जो पहला एलिमेंट बनेगा वो 2 बनेगा। जब n की वैल्यू 2 रखोगे 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ये हमारा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेट सी की। सेट सी कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब n की वैल्यू यहां 1 रखोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1। देखो 2 1 2 2 और 2 -1 1। फिर जब n की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 4 -1, ये हमारा 3 निकल के आ जाएगा, फिर 5 फिर 7 फिर एंड सो ऑन, और नंबर का सेट बन जाएगा। और यहाँ पे प्राइम नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे सेट कैसा बनेगा, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारा सेट डी तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेट ए बी सी डी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको निकालना है
थर्ड के फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होते हैं, मतलब वो एलिमेंट जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, सिर्फ उनका सेट बनाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा देखो ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफिनिटी है, लेकिन बी में क्या है, 2 4 6 8 10, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गए, दोनों के कॉमन एलिमेंट 2 हो गए, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे करते करते पूरा सेट बी निकलेगा, तो ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेट बी निकल के आ जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, मेरी बात क्लियर है, अगर नहीं क्लियर तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं फिर से इस चीज को आपको पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो कैसे करूंगा वो मेरी प्रॉब्लम है। फिर बात करता हूँ सेकंड, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सेट ए क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिट है, और सेट सी क्या है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन है, तो मतलब कि नेचुरल नंबर और ऑड नंबर में जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या मिलेगा, देखो 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7, मतलब पूरा पूरा क्या मिल रहा है, सेट सी मिल रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू सेट सी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। चलो इसके थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ में, तो ए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफिनिट है, और डी में क्या है 2 3 5 7 11 है, तो जरा देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 दिख रहा है, मतलब ये पूरा सेट इसके अंदर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन में हमारे ये वाले एलिमेंट सारे मिल जाएंगे, तो इट विल बी इक्वल टू डी। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे सिर्फ उनका लिखना होता है, ठीक है। इसके फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो जरा देखो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, एक हमारा पूरा इवन नंबर चल रहा है, एक मेरा पूरा ऑड नंबर चल रहा है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर मैं बात करता हूँ अगले पार्ट की, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी के कॉमन एलिमेंट तो जरा देखते हैं, बी में क्या है हमारे सारे के सारे इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, और डी में क्या है 2 3 5 7 9 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन है, तो जरा देखो बी और डी में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, और वैसे भी देखो ना ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर का इवन नंबर के साथ कोई रिलेशन है, सिर्फ एक रिलेशन है कि प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया बी इंटरसेक्शन डी में हमारा सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, तो इतना पॉज करता हूँ, फिर इसको रब करता हूँ और आगे देखते हैं। थर्ड का सिक्स पार्ट क्या बोला है, थर्ड का सिक्स पार्ट बोल रहा है सी इंटरसेक्शन डी में निकालना है, तो अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने अभी भी जस्ट इसके पहले बोला था कि डी में कौन से एलिमेंट आते हैं, सारे प्राइम नंबर आते हैं, और प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी के सारे सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। चलो अब बात करते हैं, देखो सी में क्या है हमारे पास में, सी हमारा ऑड नंबर का सेट जा रहा है, और डी क्या जा रहा है हमारा, हमारा इवन नंबर का सेट जा रहा है। अगर सी और डी के कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सी और डी के जो कॉमन एलिमेंट देखेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है तो 7 है, इसके बाद में अगर मैं यहाँ की बातचीत करूँ तो यहाँ पे और क्या मिल जाएगा हमें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 मिलेगा एंड सो ऑन, ऐसे करके यहाँ पे मिलेंगे जाके एलिमेंट हमारे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्या बन रहा है और नंबर, तो जरा देखो 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो जो बनने वाले सेट होंगे वो हमारे कौन से होंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो हमारे एलिमेंट्स कौन से होंगे। चलो मैं बताता हूँ एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, सी इंटरसेक्शन डी है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर 2 को छोड़ के डी के तो सारे एलिमेंट वहाँ मिल रहे, तो इसको मैं लिखूंगा इट विल बी इक्वल टू सारा का सारा सेट डी मिल रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और उस एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला।
मैंने ये बोला कि सी इंटरसेक्शन डी में वही एलिमेंट लेंगे जो दो दो सी और डी में कॉमन होंगे। तो आपने देखा डी का सिर्फ टू नहीं मिलना है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाकी 3, 5, 7, 11 वो पूरा यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा डी सेट सी के अंदर मिल रहा है। तो सी इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या हो गया, डी कॉमन हो गया, क्योंकि डी पूरा अंदर मिल रहा है ना सी में, लेकिन सिर्फ जो एलिमेंट नहीं मिल रहा है उसको हमने बाहर कर दिया, क्योंकि वो एलिमेंट हमारे इस सेट से बाहर जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। अब बात करते हैं 1.4 का, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास 4 सेट है ए बी सी और डी, चार सेट हमारे पास में गिवन है। सेट ए क्या है, 3, 6, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी गिवन है, ऐसे सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है और सेट डी गिवन है। आपसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है, आपको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से तो याद आ गया होगा कि ओनली ए बी उसको बोलते हैं। तो मेरी बात सुना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमको निकालना है a माइनस बी, ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, तो हमको कौन से एलिमेंट निकालना है, हमको वो एलिमेंट निकालना है जो ओनली सेट a में है, ना कि सेट b में। यही मैंने स्टेटेड रीजन बताया था वेन डायग्राम में। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करेंगे, बाकी सारे ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो बात करते हैं, हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का, a माइनस बी का। तो ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ। देखो सेट ए में क्या है, 3, 6, 12, 15, 18 और 21 ए का बी के साथ निकाल लेना, ए माइनस बी, बी क्या हो गया 4, 8, 12, 16, 20। जरा देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो हमने अगर कॉमन एलिमेंट देखते हैं तो हमको मिल रहा है एक 12 मिल रहा है और दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 4 भी नहीं, 8 भी नहीं, 12 भी 12 है, 16, 20 और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन होता है वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे बीच में, जो सेट ए का है ए में लिख लेते हैं। ए में क्या बचा, 3 बचा, 6 बचा, 12 हमारा हो गया है, एक 15 हो गया, फिर हमारा 18 हो गया और लास्ट में हमारा 21 हो गया, हो गया। सेट बी में क्या हो गया, क्या सेट बी लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है ना, क्योंकि हमको तो ए माइनस बी निकालना है, ये सेटेड रीजन, और सेटेड रीजन के एलिमेंट तो आ गए ना, इस 12 को हटा देते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो ये जो एलिमेंट्स हमने लिखा है इस साइड पे सेट ए में, दे आर द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट विच आर फाउंड इन ओनली ए, सिर्फ ए में पाए जा रहे हैं ना कि बी में पाए जा रहे हैं। तो हमारे पास में ए माइनस बी निकल के आ गया, ये पूरा का पूरा सेटेड रीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, इसी का दूसरा नाम होता है ओनली ए। होप दैट कि इतना आपको क्लियर होगा। अब a माइनस बी के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे हमारे, हमारे आएंगे 3, 6, 18, 15 और 21। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3, 6, 18, 15 और 21। तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा a माइनस बी का। अब जरा बात करता हूँ मैं दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट क्या हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा a माइनस सी। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम जब माइनस की बातचीत करते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम दूसरे वाले एलिमेंट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हटा देते हैं। तो जरा देखो ए में से सी के एलिमेंट हटा दो, ए में क्या है, ये पूरे एलिमेंट है, सी में क्या है, 2 है 4 है 2 4 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, दिख रहा है, तो हमने 6 को हटा दिया, फिर 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसको हटा दिया, 14 नहीं दिख रहा, 16 नहीं दिख रहा है। तो जो ए में सी के एलिमेंट दिख रहे थे उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और बचे हुए एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो ए माइनस सी क्या बचा हमारा, हमारा बचा 3 बचा 15 बचा 18 बचा और 21 बचा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ए माइनस सी निकल के आ गया। तो अब आपके लिए होमवर्क है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट में दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊँ, कुछ आप भी प्रैक्टिस करिए। अगर सारा एफर्ट मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन डू योरसेल्फ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। अगर कहीं डाउट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं सारा रिप्लाई करूंगा, मैं क्योंकि मैं आपको पूरी एडिशनल पढ़ा रहा हूँ। अब पूरी का मतलब ये नहीं कि एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उनको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हमको पहले पार्ट में निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इसको ऐसे भी लिखते हैं,
और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू माइनस ए, ये होता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो फिर से देखने के बाद फिर से यहाँ पे आना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक एक्सरसाइज में जम नहीं मारना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना फिर मैथ वाले नहीं आएगी, फिर या तो आप हमें ब्लेम करेंगे या तो अपने टीचर को ब्लेम करेंगे, खुद को ब्लेम नहीं करेंगे। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि पहले वो वीडियोज क्लियर करें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें जहाँ पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो मेरी बात सुनना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि यू माइनस ए, यू क्या था हमारा, मैं ए क्वेश्चन पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। यू है ना, यू क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से हमें माइनस किसको करना है, ए को माइनस करना है, 1 2 3 4 इसको माइनस करना है। तो मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को हटा देना है। तो हटाना किसको, हमने 1 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, ये एलिमेंट हमने हटा दिया। तो बचे हुए एलिमेंट क्या हो गए, 5 6 7 8 और 9, यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको चाहे ऐसे लिखें, चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे इसको ऐसे लिखें। तो उम्मीद करता हूँ फिफ्थ का पहला पार्ट, ये क्वेश्चन 5 है, फिफ्थ का पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे हम जम मारते हैं, मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे जम मारते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या बोला है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हमको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फिर से वही, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटाना है। तो बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट हटा दो, तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 8 हट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 1 3 5 7 और 9। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, तो उम्मीद करता हूँ फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको फिर से लिखें, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा, सेकंड पार्ट में लिखा, वैसे थर्ड पार्ट को भी लिखेंगे। तो मेरी बात सुना, इसको मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन सी को, ये माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा लिख लेते हैं, पहले यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 9 तक है। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने इसको लिख लिया 9 तक। अब हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन कौन सा होता है, वो छोटा सा पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए और सी के कॉमन एलिमेंट 3 और 4 3 और 4, तो यहाँ पे मैं 3 और 4 लिख लेता हूँ। देखो ए इंटरसेक्शन सी निकल गया हमारा। अब हमको क्या करना है कि इस यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को हटा देना है। तो हम 3 और 4 को हटा देंगे, बचे हुए एलिमेंट लिख लेंगे। तो हमारा बचा हुआ 1 2 5 6 7 8 और 9 बचा। तो उम्मीद करता हूँ फिफ्थ का थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर होगा। अगर फिफ्थ का थर्ड पार्ट आपको क्लियर है तो आपके लिए फोर्थ पार्ट होमवर्क है, ठीक है ना। आपका जो फोर्थ पार्ट होगा ना, आपको डू योर सेल्फ, अपने आप करना है, और उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। चलिए इसको रख करता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। पार्ट में क्या बोला है, फिफ्थ का सिक्स पार्ट बोला है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत इतना से इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब, एक तो आपने फॉर्मूला याद करना है, क्या याद करना है कि किसी भी सेट का, सपोज एक सेट ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर क्या आ जाता है, हमारा ए आ जाता है। मतलब कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन ये आता कैसे, ये मैं सिखाता हूँ आपको। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यू में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है, यही मतलब हुआ ना। अभी तक तो पिछले पार्ट में यही करते हुए आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, वही हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन है। अब कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, इसका मतलब हो गया हम बात कर रहे हैं यू माइनस ए की, इसी की बात कर रहे हैं ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, तो यू में से ए के एलिमेंट हटाना है। तो यू में से ए के एलिमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, तो यू में से ए के एलिमेंट हटाने के बाद क्या आ गया, यू में से 1 2 3 4 हटा दिया, बचा क्या 5 6 7 8 9, यही बचेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा एलिमेंट लिख लेता हूँ, 5 6 7 8 और 9 को हमने लिख लिया, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब क्या कह रहा है कि इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। हमने 5 6 7 8 9 को यहाँ से ये वाले एलिमेंट्स हटा दिए, तो हमारे पास बचा क्या, 1 2 3 4
हमारे पास में बचा बचा। अब जरा 1 2 3 4 देखो कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 सेट ए में दिख रहा है ना, तो इट विल बी अगेन इक्वल टू ए। ये किसके इक्वल आ गया, ए के। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो अगर कहीं पे भी वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना लंबा सा क्वेश्चन आता है, सीधा सा पूछता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर आएगा, तो ऑप्शन में जो भी होता है या फिर लाइन में आता है, जैसा भी आता है, तो सीधा आप देखेंगे कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि डबल कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली वही सेट हमारा निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई पार्ट बचा है, एक पार्ट और बचा हुआ है, इसका एक 6 पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं। वैसे तो मुझे होमवर्क देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 6 पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। तो 6 पार्ट क्या कह रहा है, 6 पार्ट कह रहा है कि बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत ईजी है, हमने पता है कि इसका मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, बी माइनस सी माइनस करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यूनिवर्सल सेट हमारा लिख के आ गया। आप कह रहे हैं कि बी में से सी के एलिमेंट निकाल के लिखना है, तो जरा लिख लेते हैं उनको भी। बी में से सी के एलिमेंट हटाना है, सी क्या है 3 4 5 6, तो देखो 3 तो है नहीं, 4 दिख रहा है, 5 नहीं है, 6 है, मतलब 4 और 6 हटाने के बाद क्या बचेगा मेरा 2 और 8 बचेगा, यही बचेगा ना। तो क्या कर रहा है, बी में से सी के एलिमेंट क्या करना है, हटाना है। तो बी में से जो सी के एलिमेंट दिख रहे हैं बी में, उनको हटा दो, तो 4 और 6 दिख रहा था उसको हटा दिया मैंने। अब जरा देखो 2 और 8 इस पूरे सेट से हटाया, ये 2 हट गया, ये 8 हट गया, क्योंकि यहाँ से रिमूव करना है, माइनस डिफरेंसेस वाला रूल मैंने पढ़ाया है ना। अब आगे बात सुनना, इसमें बचेगा क्या 1 3 4 5 6 7 और 9। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जंप मारते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उससे बनेंगे दो सेट, सेट ए और सेट बी है। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक हो गया, सेट ए क्या हो गया 2 4 6 8 हो गया, सेट बी क्या हो गया 2 3 5 7 हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिलहाल जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करने वाले ना, इसके दोनों पार्ट को, वो हमारे एक डी मॉर्गन लॉ जो कि हम अगले एक्सरसाइज के लिए पढ़ने वाले हैं, उसी का डेरिवेशन है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक डेरिवेशन है, तो इसका जो भी प्रूविंग है ना, इसको याद भी कर लेना, लेकिन उसको पहले डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल की हद से। तो अब एक बात को ध्यान सुनना, हमसे कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट साइन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो चलो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं एक एक पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं LHS, तो लेफ्ट LHS को सॉल्व करते हैं। अब LHS में आप देख रहे हो कि A यूनियन B का क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। बात को ध्यान सुनना, तो अगर हम A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि U में से माइनस करना है A यूनियन B, मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, A यूनियन B माइनस करना है। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है। तो यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या माइनस करना है, ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास में क्या है, 1 से लेकर 9 तक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें से माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, यूनियन मैंने बताया था कि पूरा का पूरा सेट डिविजन होता है, दोनों के एलिमेंट कंबाइन में आते हैं, जो दो बार आते हैं उनको एक बार लिखते हैं, जो एक बार होता है उसको भी एक ही बार लिखते हैं। तो चलो बात करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन है, 2 को एक बार लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास में आ गया। आ गया, अब कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हटा के फेंक देते हैं भाई बाहर, बचा क्या 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेके 8 तक के एलिमेंट्स हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। अब क्वेश्चन की डिमांड है तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा और 9 बचा, तो LHS तो हमारा निकल के आ गया। अब थोड़ा सा वर्क करते हैं RHS के ऊपर। RHS क्या कह रहा है, RHS कह रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन क्या 1 कॉमन 9 आएगा, तो देखते हैं क्या आएगा। देखो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ अलग से मैं, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए आ जाएगा, तो यू में से ए के एलिमेंट हटाते हैं। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, दिखाने के लिए मैं सीधा आंसर लिखता हूँ क्या आएगा, यू माइनस ए, यू में से ए के एलिमेंट हटाया 2 4 6 8, मतलब 2 4 6 और 8 को हटा दिया, बचा क्या 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे बचेगा 1 3 5 7 और 9, यही बचेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा के फेंक देते बाहर, तो 2 3 5 7 है। हमने यूनिवर्सल सेट से अब क्या क्या हटाया, ये तो पहले वाले मार्क है,
टू थ्री फाइव सेवन, ये हमारा टू हट गया, थ्री हट गया, फाइव हट गया और सेवन भी हट गया। जो हट गया उसको निकाल के बाहर, जो बाहर गया बचा क्या, वन, मैं लिखता हूँ वन फोर सिक्स एट और नाइन, यही एलिमेंट मेरे बच्चे, इनको बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब देखो जरा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमसे बात क्या कर रहा है कि हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलो बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो छोटा सा पार्ट जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन एक नाइन दिख रहा है और कोई एलिमेंट एक हमारा वन दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं वन कॉमा नाइन। तो अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, लेफ्ट हैंड LHS की वैल्यू 1.9 है, RHS की वैल्यू भी 1.9 है, मतलब कि ये हो गया कि जो हमारा LHS वाला पार्ट है वो RHS के इक्वल हो गया। ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया। मैंने बोला था ये डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट है, तो इसको याद भी कर लेना है कि जब भी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको वो जो छोटी सी डायरी आप लेके बैठे हैं वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ करके उसका पहला पार्ट लिख लें। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो उसको दूसरे पार्ट पे बना के लिख लेना, ठीक है। तो दूसरा पार्ट मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट करो, मैं सेकेंड पार्ट ही बताऊँगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बताऊँगा, थोड़ा सा तो काम करो ना, अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये हमारा 1.5 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन, और बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज अगर किसी को सिक्योरी में लगती है बच्चों को तो 1.6 का इंट्रोडक्शन ही लगता है, क्योंकि वहाँ में बहुत सारे सिम्बल्स वगैरह यूज होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, बच्चों को लगता है यहाँ तक नंबर तो दिख ही नहीं रहे, कैसे काम करेंगे समझ नहीं आता। तो यकीन मानो मैं बहुत इजी तरीके से आपको अगला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए, उन बच्चों को रिकमेंड करते रहिए जो अच्छे टीचर को हायर नहीं कर सकते या कहीं ऐसी गांव से या बस्ती से बिलोंग करते हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते लेकिन वो मैथ पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन बच्चों को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं उनको, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में सारा कंटेंट फ्री डाल रहा हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं है, और मैं पूरी की पूरी ऑडिशन में पढ़ाऊंगा 11 की। मैंने क्लास 10 की भी ऑडिशन में की सीरीज स्टार्ट किया है, अगर उसमें भी किसी को आपको लग रहा है किसी को रिकमेंड करना तो रिकमेंड कर सकते हैं। और भी हम 9th और 12th की भी सीरीज लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।